दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर। तो गाइस सुबह उठ के सबसे पहले पीती हूँ मैं पानी, बहुत सारा पानी, क्योंकि मैं दिन के एक ही टाइम अच्छे से बहुत सारा पानी पीती हूँ सुबह का टाइम। तो अभी चाय पीते हैं। क्या रे जिंदगी क्या है तू, अरे क्या रे जिंदगी क्या है तू। बोल किचन बोल, रूम बहुत गंदा है, बहुत गंदा, बहुत बहुत ही ज्यादा गंदा है, और साफ कौन करेगा? चाइल्ड। ठीक है तो मैं अभी रेडी होऊंगी, फिर स्कूल जाओ, स्कूल नहीं सॉरी कॉलेज जाऊंगी। हेलो गाइस, अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमारा क्या है बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट में है पांता भात, यानी कि पिछले दिन का चावल जो कि बचा हुआ था उसमें हम पानी डाल के रखते हैं। उसमें मैं मिलाऊंगी तेल, सरसों का तेल, थोड़ी सी नमकीन, और उसके साथ सत्तू का मतलब सत्तू और आलू फ्राई। तो ये बंगाली लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मैं भी खाती हूँ, तो ये खा के हम लोग जाएंगे कॉलेज। अरे जिंदगी क्या है तू, अरे क्या रे जिंदगी क्या है तू। तो ये तो आपको एक दूसरे गर्ल्स पीजी या हॉस्टल में देखने को मिल जाएगा, एक दूसरे की केयर करना। तो मैंने अपना नया बैग दिखा, तो श्वेता ने कहा उसे भी बैग दिखाना है, तो उसने भी अपना पिंक कलर का बैग दिखा दिया। उसके बाद सोहेली ने भी अपना बैग दिखाया, और इसके बाद हम जाएंगे कॉलेज। बहुत ज़्यादा धूप है, और इस धूप में क्यों हम कॉलेज जा रहे हैं पता नहीं, मतलब सिर्फ जाना पड़ता है इसीलिए हम कॉलेज जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये है हमारा कॉलेज। कॉलेज में आके सबसे पहले हम पानी भरते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पर मिलती है ठंडा पानी। जहाँ पे दिखे खटिया वहाँ पे सो जाओ, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। यहाँ पर आई डोंट नो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को कैमरे में लाने की कोशिश कर रहे थे शायद, और उसके बाद मैंने कहा खुजली कर दो मुझे थोड़ा सा। फिर यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि मेरे कैमरे पे वीडियो हो रहा था, तो मैंने कैमरा देखा और मैंने बोला हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मुझे पता चला वो मेरा कैमरा है। मैं अभी कैंटीन में सो रही हूँ क्योंकि क्लास ख़त्म हो गया है, और घर में बहुत गर्मी है हमारे रूम में, तो कॉलेज में ही मैं थोड़ा सो रही हूँ। मैं सोचा था कि ये हम लोगों से गुस्सा है या क्या हुआ है, मूड ऑफ है, उदास है, लेकिन नहीं गाइस मैं गलत थी, ये नीचे फ़ोन देख रही है। और ये दोनों इतना ज़्यादा रील बना रहे और फोटोज़ खींच रहे हैं, हे भगवान। तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोस्त लोग सब चले गए थे जस्ट बेक पे, थोड़ा सा स्नैक्स यानी कि थोड़ा सा कचर मचर खाने के लिए। कॉलेज से निकली हूँ, अभी मैं जा रही हूँ एक केक लेने, क्योंकि श्वेता जो कि मेरी रूममेट है उसका बर्थडे था, तो उसने हमें इन्वाइट भी किया था लेकिन हम नहीं जा पाए थे कुछ कारण से उसके घर, तो वो अभी गुस्सा है बहुत, तो इसीलिए उसको मनाने के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन करें। पहले तीन दुकान घूम के हम लोगों ने केक ले लिया है। हम लोग ढूंढ रहे थे पिंक कलर का केक, क्योंकि हमारे जो बलून्स हैं वो पिंक कलर के हैं, तो सोचा थीम के साथ थोड़ा सा मैच भी कर जाएगा, लेकिन नहीं मिला, एक चॉकलेट केक मिला। एक्चुअली पिंक केक था लेकिन बहुत महंगा था, हम लोग ढूंढ रहे थे सस्ता केक, ठीक है हमारे बजट में। चलो घर पे जाके बलून्स वगैरह रेडी करते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह करेंगे, वो अभी नहीं है घर, उसको थोड़ा सा सरप्राइज देंगे हम लोग, तो अभी बलून्स वगैरह हम फुलाने की कोशिश कर रहे हैं।
सूखे पत्ते सारे झड़ जाते हैं। इस ये जो कैंडल था टू वाला, ये बीच में से टूट गया था, तो किसी तरीके से इसको गला के मैंने इसको जुड़वाया, मतलब जोड़ा है। तो देखते हैं कितना देर तक ये टिकता है। तो उसे कुछ भी नहीं पता है, वो मार्केट गई है। तो अभी फ़ोन किया था दरवाज़ा खोलने के लिए, मतलब वो आ रही है, तो अभी उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। उसे कुछ भी आइडिया नहीं कि है कि हम लोग कुछ भी करने वाले हैं। वो सोच रहा है कि हम लोग सिर्फ उसे गिफ्ट दे देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं उसका रिएक्शन। যখন বাজারে গেছিলি, ফ্যান চালালে হবে না, এগুলো সব খুলে যাবে। বসে কেকটা কেটে নে, তারপর ফ্যান চালাবে। টেবিল ল্যাম্প ইয়ে পড়াই কে লিয়ে ইউজ হোতা হ্যায়, নেহি ইয়ে হোতা হ্যায় আমারে ফটো কি জিন্দেগি। तो सेलिब्रेशन के बाद श्वेता ने हम लोगों को खिलाया था बटर नान और चिकन टिक्का मसाला, जो कि बहुत टेस्टी था। आज रात का ट्रीट है श्वेता की तरफ से, तो मैं अभी रात का खाना एंजॉय करती हूँ। तो इसी के साथ सी यू सून माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।